नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और निसान मैग्नाइट से मेरा खास रिश्ता है, आप सबको पता है मैंने बहुत चलाया इस गाड़ी को। और आज एक डिटेल्ड कस्टमर रिव्यू लेके आ रहा हूं इसके एक्सवी प्रीमियम वेरिएंट का, जो कि टर्बो है। तो उसके जो ऑनर है सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो राहुल गर्ग जी का स्वागत है, आइए राहुल सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो ये जो राहुल सर है ना, ये पूरे देश को आराम देते हैं, क्योंकि जो गद्दा निर्माता कंपनी है सबसे बड़ी देश की, कह सकते हैं सर सबसे बड़ी, नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उसके हिस्से हैं। तो इनसे बढ़िया आराम की चर्चा कोई नहीं कर सकता है। तो कितने किलोमीटर चला चुके हैं सर आप इसे? ये 35,000-36,000 के आसपास चल रही। कब ली थी आपने इसे? ये 2 साल पहले ली थी। और कितने की पड़ी थी आपको? मेरे को 9.5 लाख रुपए की पड़ी थी ऑन रोड। ऑन रोड तो 9.5 लाख की ऑन रोड पड़ी थी। 35,000 किलोमीटर का इनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या इनको माइलेज दे रही, कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनके साथ, यहाँ पर सड़क पर बात नहीं करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और इनसे इनका पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे। सर रेडी? बिल्कुल, आइए। भैया, मैं राहुल सर के साथ उनकी इस निसान मैग्नाइट में आ गया हूँ। और इन्होंने क्यों खरीदा था, इसका सवाल करने से पहले पूछता हूँ सर, क्या क्या देख रहे थे इस सेगमेंट में आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं SUV देख रहा था सबसे पहले। तो मैंने 2-3 गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था, जैसे किया की सोनेट है और भी 1-2 गाड़ियाँ हैं। लेकिन जब ये निसान मैग्नाइट का मुझे पता चला कि थोड़ा कम प्राइस रेंज में गाड़ी आ रही है, तो मुझे लगा कि ज़्यादा पैसे खर्चने से अच्छा है कि थोड़ा सा और बजट को कांस्टेंट करते हुए अपना ये वाली गाड़ी ली जाए। क्योंकि मैं पहले जो गाड़ी चला रहा था वो निसान माइक्रा चला रहा था, और उसमें मुझे कोई ऐसा सच कभी परेशानी नहीं हुई। मैं 6 साल उस गाड़ी को चलाया, गाड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, मतलब उसकी रनिंग और चलाने में बहुत स्मूथ थी। तो मुझे लगा कि निसान को फिर एक बार ट्राई किया जा सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी जब आप इसे देख रहे थे गाड़ी को? रिक्वायरमेंट मेरी थी कि गाड़ी जो है ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए, गाड़ी का माइलेज अच्छा होना चाहिए, और गाड़ी के अंदर स्पेस होना चाहिए, और जो है गाड़ी देखने में अच्छी होनी चाहिए, एक्सटीरियर उसका अच्छा होना चाहिए, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। बस यही 4-5 चीज़ें होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेरे को इसमें फिलफिल लगी। पूरे देश को आप आराम देते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना सर। तो आराम कितना मैटर करता था आपके लिए, आपने कितना कंफर्ट इसमें ढूंढा, और कैसे आपको लगता है कि उस पर खरी उतरी या नहीं? नहीं, बिल्कुल आराम के मामले में गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, गाड़ी की सीट बहुत कंफर्टेबल है, और गाड़ी के शॉकर्स बहुत मुझे तो सही लगते हैं। मतलब ऐसा सच कभी जैसे ख़राब रास्ता आता है और ऑफ रोडिंग वगैरह होती है, तो थोड़ा उस पर कंफर्ट ख़राब नहीं होता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये इस रोड कंडीशन में भी ये परफेक्ट काम करती है, मतलब कभी दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं नहीं नहीं, कभी रोड मतलब कैसा भी रास्ता आ जाए, कोई ऐसा सच कभी दिक्कत कभी फील नहीं हुई। कितनी बार होता है मेरे को थोड़ा खराब रास्ते पे जाना पड़ता है, तो बट एकदम फटाफट उससे निकल जाती है। लगभग 35,000 किलोमीटर देख रहा हूँ आपने, 35,000 कुछ किलोमीटर आपने कर लिया, 35,946 किलोमीटर कर लिया। करेक्ट। तो इस दौरान कितनी सर्विस करवाई है आपने अभी तक? मैंने 3-4 सर्विस करवा ली है इसकी गाड़ी की, और गाड़ी मतलब बहुत सही चल रही है अभी तक। तो उसमें कोई आपको सर्विस में कोई इशू कुछ ऐसा आया हो? नहीं, सर्विस में एक बार इशू आया था थोड़ा सा, कि सर्विस में नहीं, मतलब गाड़ी में थोड़ा सा इशू था कुछ म्यूजिक सिस्टम को लेके, कनेक्ट वगैरह ठीक से नहीं हो रहा था, एंड्रॉयड नहीं ठीक से चल रहा था, तो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया था, उसमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आई। तो आपको लगता है कि ये जो 35,000 किलोमीटर तक का सफ़र था ये अभी तक परफेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफ़ी यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वो सब जगह जाता रहता हूँ, तो मेरठ आना जाना थोड़ा लगा रहता है मेरा, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। पहले माइक्रा से ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें रहा, क्योंकि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे चलते हो तो थोड़ा आपको एक कंफर्ट चाहिए होता है, तो लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अच्छी है गाड़ी। सबसे लंबी दूरी की यात्रा कौन सी आपने इससे की? सबसे जो सिद्ध बली। अच्छा, कितने सिद्ध बली गया था मैं,
और मैं सुबह निकला था मेरठ से, और पूरा मैंने वन साइड हाँ कंटिन्यू रनिंग करी, और उसके बाद फिर वहाँ से ही शाम को हम उसी दिन लौट आए। कितने किलोमीटर किया? तो वो करीब मेरे हिसाब से 250 के आसपास, 250-350 किलोमीटर के आसपास है। कोई इमोशनल कनेक्ट जो आपको इस गाड़ी से हो जाता है, थोड़ा खास लगाव देता है? इमोशनल तो यही था कि भाई निसान को दोबारा से मैंने ट्राई किया था, हाँ तो मुझे ये था कि थोड़ा अच्छा ही रहेगा, और मेरे साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को इसमें। सर माइलेज की अगर बात करें, आपने इतना चलाया 35,000 किलोमीटर के हिसाब से, थोड़ा माइलेज एक्सप्लेन करिए, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई टर्बो लेता है तो उसे कितना माइलेज एग्जैक्ट मिल जाएगा, खास करके वो बंदे जो अब निसान मैगनाइट खरीदने की सोच रहे हैं। तो देखो सिटी में विदेशी 18 किलोमीटर का माइलेज दे देती है गाड़ी, और मेरे को हाईवे पर ये गाड़ी देती है 20-21 का माइलेज देती है। 20-21 का माइलेज देती है। और जो सर ये शहर का जो ट्रैफिक होता है बम्पर टू बम्पर ये वाला, मेरा मेरा जो पर्सनल है, मेरा क्योंकि मेरा जो रूट है डेली का ऑफिस आने जाने का ही रूट है, तो उसमें मुझे एज सच कभी ट्रैफिक नहीं मिलता। कभी कभी ट्रैफिक मिलता है तो उससे मुझे पता नहीं चलता कि क्या एग्जैक्टली हुआ, तो मुझे तो मेरा मेरा रूट ही इतना कंफर्टेबल है, तो शायद मेरे को माइलेज ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा मिलता है, बिल्कुल। तो आप सेटिस्फाइड हो माइलेज से? माइलेज से 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि माइक्रा का जो माइलेज था सेम माइलेज इस कार ने भी निकाल दिया, और ये SUV हो गई, बड़ी गाड़ी हो गई, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। सही जी बताइए साथ में एसी का कंफर्ट कैसा रहता है, क्योंकि इस सेगमेंट में एसी मैटर करता है, खास करके दिल्ली NCR की गर्मी में। नहीं एसी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और गाड़ी जो है प्रॉपर कूल करती है, टाइमली कूल कर देती है गाड़ी। आपको अगर रीसेल वैल्यू की बात करें, आपको लगता है कि आपको प्रॉपर रीसेल वैल्यू मिलेगा इस मैग्नाइट से? 100% आपको लगता है? 100% अच्छा। तो वो लोगों का अपना एक परसेप्शन रहता है कि मुझे निशान लेनी है या नहीं लेनी है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। अच्छा हाँ। बूट स्पेस की अगर बात करें तो आपको लगता है कि आपके फैमिली के हिसाब से, क्योंकि मैं देख रहा 4 लोग हैं आप, तो बूट स्पेस बहुत अच्छा है, बच्चों को कभी कोई दिक्कत नहीं आती, पूरी प्रॉपर पीछे बैठ के तो काफ़ी अच्छी लुक आती है अच्छा गाड़ी के अंदर। सर अगर प्रीमियमनेस की बात करें तो आपको कितनी प्रीमियम लगती है अपनी ये गाड़ी? देखो अगर मैं इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी प्रीमियम को चेक करूं तो तब ये लगता है कि काफ़ी प्रीमियम है इस प्राइस रेंज में। अच्छा। नहीं तो अगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं 9.5 लाख की गाड़ी को 20 लाख की गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो मैंने उसके लिए पे किया है, तो फिर वो उसकी प्रीमियमनेस अलग रहेगी। सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगता है? दो तीन फीचर बहुत अच्छे लगते हैं इसका। 360 डिग्री कैमरा बहुत फ़ायदेमंद रहा, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ड्राइविंग में आसानी हो जाती है, और दूसरा मुझे इसका टायर प्रेशर मॉनिटर भी अच्छा लगा, वो भी इस गाड़ी के अंदर है। टेक्नोमीटर इसका बहुत अच्छा है, और एप्पल कार प्ले है इसमें, तो वो भी दिक्कत नहीं आती उसमें, सिस्टम ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। तो यही सब फीचर होते हैं, सबसे अच्छा 360 डिग्री कैमरा लगता है मेरे को, वो लगता है कि यूज़फुल है आपको जब बिल्कुल इस प्राइस रेंज में, क्योंकि बहुत कम गाड़ियों में ये 360 डिग्री आता है। सिटी ट्रैफिक में वो 100% आपको सपोर्ट करता होगा, और ये शायद यही इसका खासियत है, लेकिन मेरा सवाल ये है सर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको हर लेवल पे खुश रखती है या नहीं? परफॉर्मेंस के दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल पिकअप की बात करें, कभी पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पिकअप। 5 लोगों को बिठा के साथ में चला रहे हैं तो सारा बताइए सर। नहीं नहीं 5 लोग बिठाओ या जो भी आप बिठा लो, मैं तो इसमें बहुत कुछ काम किया है, तो काफ़ी सामान वगैरह भी लाया हूँ मैं। अच्छा। तो इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं आती, पूरी गाड़ी मैंने मतलब फुल लोड करके चलाई है। केबिन इंसुलेशन की बात करें तो आपको लगता है कि ये भी परफेक्ट है? केबिन हाँ वो भी परफेक्ट है एकदम, मतलब बाहर की आवाज़ बहुत कम आती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आती, मेरे को तो ऐसा फील ही नहीं होता। अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो कितना अच्छा, आपको कितना प्रभावशाली लगता है आपके कानों को? म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका, क्योंकि इसके अंदर JBL का स्पीकर लगा हुआ है, तो वो कंपनी से ही लग के आया था, तो वो बहुत अच्छा है इसका। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो स्पीड ब्रेकर वगैरह जो होते हैं जो ज्यादा उठा देते हैं शहर में आजकल जैसे बनाते हैं ना, नहीं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। और कहीं उबड़ खाबड़ गड्ढे से निकले हैं तो वहाँ पे कैसा रहा है? बिल्कुल परफेक्ट चलती है कार, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ और बोलना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि इस प्राइस रेंज में तो जो गाड़ी निसान ने दी है वो अपने आप में बेहतर गाड़ी दी है। बाकी अगर किसी का कुछ हो सकता है, सबका अपना अपना व्यूज होते हैं। चलते चलते क्यों सजेस्ट करेंगे निसान मैग्नाइट किसी को? मैं इसीलिए सजेस्ट करूँगा गाड़ी परचेज कर सकते हैं, बिकॉज
गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है, और एसयूवी है, और इस प्राइस रेंज में आपको सारे सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते हो तो वो भी 10.5 लाख के आसपास आ जाता है, तो टॉप मॉडल आ जाता है, तो उसमें सारे फीचर ही मिल जाते हैं और माइलेज बहुत अच्छा मिल रहा है गाड़ी के अंदर। तो मतलब आपको अगर पैसे बचाने हैं तो आप बिल्कुल इस गाड़ी को वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भैया ये थे राहुल जी जो कि आराम की बात करते हैं, और आराम की बात ही नहीं करते हैं, आराम सेलेक्ट भी करते हैं। तो इनको निसान मैग्नाइट क्यों पसंद आई इन्होंने बता दिया है, कितना माइलेज दे रही है इनकी गाड़ी इन्होंने बता दिया है, कितनी कंफर्टेबल है इनके लिए और कितना बढ़िया रहती है इनके लिए ये भी बता दिया है। अगर आप अब खरीदने जा रहे हैं निसान मैग्नाइट या फिर कोई गाड़ी देख रहे हैं और वहां पर विकल्प के तौर पर ये समझ में आ रही है आपको, तो राहुल जी की बात आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ बता दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो पसंद आया होगा, फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो अपने इंस्टाग्राम पर चले आइए, सवाल करिए, अगर मुझे जवाब देना होगा मैं दे दूंगा, नहीं तो राहुल जी से पूछकर जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा।